आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, आज के सेशन में हमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, विच इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, 10th क्लास में आपने अरिथमेटिक मीन मींस एवरेजेस को स्टडी किया होगा। आपने पढ़ा होगा कि एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए हमें जो डेटा दिया है उसमें वैल्यूज की टोटल करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करना है। ओके, तो हमें अरिथमेटिक मीन या एवरेज मिलता है। अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे स्टडी करने वाले, थोड़ा सा रिवाइज भी हमें 10th क्लास का भी करना पड़ेगा। ओके, सो अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है? देखो, हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमेशा, और वो एक्सपेक्टेशंस को हम मीन या फिर एवरेज कह सकते हैं। ओके, अभी करंटली बस इतना याद रखो। अब मान लो कि आप कोई एग्ज़ाम देते हो, टेस्ट देते हो, 100 मार्क्स की टेस्ट है, तो बट ऑब्वियस टेस्ट के बाद आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि मुझे 70 मार्क्स मिलते हैं, 80 मार्क्स मिलते हैं, वॉट एवर इट मे बी। आपको कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, तो वो कहेंगे कि हमें 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए। तो जो एक्सपेक्टेशंस होता है, कभी कभी वो एक्सपेक्टेशंस हमें कम मिलते हैं या फिर ज़्यादा भी मिलते हैं, राइट? अगर मुझे 90 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन है, 90 से ज़्यादा भी आ सकता है और उससे कम भी आ सकता है। अब ये जो डिफरेंस हो रहा है, जो डेविएशन आ रहा है, 90 मार्क्स एक्सपेक्टेड है उससे कम आ गए, ज़्यादा आ गए, तो वो कम ज़्यादा का जो डिफरेंस है, डेविएशन है, इसे मेजर करने के लिए डिस्पर्शन की हेल्प ली जाती है। ओके, चलो, तो एग्जैक्टली और इसका मतलब क्या रहेगा मैं समझा देता हूँ। अभी तो मैंने आपको जो सिंपल इसका बताया था कि डेविएशन, जो डिफरेंसेस वैल्यूज में आते हैं, उसे मेजर करने के लिए हम डिस्पर्शन की हेल्प लेते हैं, ठीक है? नाउ डिस्पर्शन, अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज डिजाइंड टू स्टेट द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और आइटम वैरी फ्रॉम देयर एवरेज। वैरी होना मीन्स डेविएट होना, डिफ्रेंशिएट होना। ओके, तो एवरेज के कंपैरिजन में जो वैल्यूज है वो कितना डेविएट हो रही है, कितना वैरी हो रही है, वो मेजर करने के लिए हम डिस्पर्शन की हेल्प लेते हैं। ओके, नाउ यूजुअली व्हेन द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एवरेज, दैट इज मीन, मीडियन और मोड आर फाउंड आउट, देन द एवरेज ऑफ दिस डेविएशन इज टेकन टू रिप्रेजेंट अ डिस्पर्शन ऑफ सीरीज। दिस इज व्हाई मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नोन एज एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, एंड मीन, मीडियन, मोड एटसेट्रा आर ऑल एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ओके, देखो, ये जो पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके, मीडियन की तो रिविजन हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, करेक्ट? मीन, मोड, ये भी आपने 10th क्लास तक स्टडी किया है। तो मीन, मीडियन, मोड को हम कहते हैं एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, एंड जो यहाँ से आगे हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्शन, जो मीन, मीडियन, मोड के ऊपर ही हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है डिस्पर्शन को हम कहते हैं एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द रन स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन इन अ सीरीज ऑफ 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस। अब 3 बैट्समैन का स्कोर हमें दिया है, ओके, एक्स, वाई एंड जेड रन स्कोर। अभी एक्स ने फर्स्ट मैच में 90 किया, सेकेंड मैच में 17, थर्ड में 104, 33 एंड 6। वाई के बारे में 40, 60, 55, 50, 45 एंड जेड 112, 8, 96, 29 एंड 5। तीनों का टोटल 250 आ रहा है। एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एवरेज को हम क्या करते हैं, टोटल से डिवाइड करते, टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे टोटल 250 रन्स थे और नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, 5 मैचेस हुए, तो ऑन एन एवरेज हर एक बैट्समैन का स्कोर तो 50 आ रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है एवरेज के बेसिस पे, तो तीनों इक्वल, एवरेज तो तीनों का सही है। लेकिन अगर मुझे कहते हैं कि कौन सा बैट्समैन ज़्यादा कंसिस्टेंट है,
ओके, कौन सा बैट्समैन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी हमें मेजर करनी, तो उस केस में हमें डिस्पर्शन की हेल्प लेनी होगी। डिस्पर्शन हमें हेल्प करता है कंसिस्टेंसी को मेजर करने में, रिलायबिलिटी को मेजर करने में। आपको पता है कि क्रिकेट में कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि जो खेलते बहुत अच्छे हैं लेकिन रिलायबल नहीं होते, मतलब जो खेले तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं, ओके 50-60 बॉल्स में भी 90-100 रन्स बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कि 8-10 रन भी नहीं बना पाएंगे, करेक्ट। तो रिलायबिलिटी भी होती है, और कुछ कुछ बैट्समैन, अभी विराट कोहली का ले लो, विराट कोहली कंसिस्टेंटली हर एक मैच में परफॉर्म करता ही करता है, कुछ ना कुछ रन्स वो बनाता ही, मतलब उसके परफॉर्मेंस में क्या है, कंसिस्टेंसी होती है, राइट। सो ऑल द अबोव सीरीज हैव सेम साइज, ठीक है, ये मैंने आपको अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इन द अबोव एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्स, सीरीज एक्स एंड सीरीज जेड आर मोर स्कैटर्ड एज कंपेयर टू दोज इन सीरीज वाई। यहाँ पे अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करते तो सीरीज एक्स और वाई जो है थोड़ा स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ है, राइट। अभी एवरेज हमारा 50 आया है, ओके और ये जो वैल्यूज हमें दिख रहे हैं 90, 17, 104, ये 50 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है। लेकिन वाई का आप देखो, वाई का भी एवरेज 50 है लेकिन ये जो वैल्यूज है 40, 60, 55, 50, 45, ये 50 के आसपास के वैल्यूज है, ओके और जेड के वैल्यूज भी काफ़ी स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड अगेन, स्कैटर्ड मीन्स फैला हुआ है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं ना, तो वाई ज़्यादा कंसिस्टेंट है क्योंकि वो एवरेज परफॉर्मेंस के आगे पीछे कम ज़्यादा वो स्कोर कंटिन्यूसली कर रहा है, लेकिन एक्स और जेड का परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो वो काफ़ी स्कैटर्ड है, मतलब बहुत कम है या फिर बहुत अच्छा है, ओके। द अमाउंट बाय विच द ऑब्जर्वेशन डेविएट फ्रॉम द एवरेज इज कॉल्ड डिस्पर्शन, राइट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है जितना डेविएट होता है, डेविएट डिफरेंस, ओके एवरेज से जितना ज्यादा ये डेविएट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं, ओके। नाउ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, दो तरीके के डिस्पर्शन है, जिसमें से फर्स्ट है एब्सोल्यूट मेजर, सेकेंड होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट में आपको मिलेगा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इसी को कहा जाता है सेमी क्वार्टाइल रेंज, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव मेजर्स में है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, ओके। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट रेंज, ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं डायरेक्टली बताऊंगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ लेते बाद में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रेंज, नाउ रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, बिटवीन द एक्सट्रीम वैल्यूज, दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सट्रीम वैल्यूज की जरूरत होती है, सिंपली लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे रेंज कहा जाता है। तो बहुत सिंपल है रेंज को कैलकुलेट करना, रेंज इज इक्वल टू व्हाट, एल माइनस एस। देखो फर्स्ट एग्जांपल है पेज नंबर 25 का, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। नाउ फॉलोइंग डेटा गिव्स वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी इन अ सर्टन स्कूल, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो हमें 10 स्टूडेंट्स का डेटा दिया है वेट के लिए इन केजेस, फाइंड द रेंज, और रेंज पूछी है, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी मिल रही है देखो, बोला लार्जेस्ट वैल्यू 70, 62, 73। देखो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, 73, ओके ये हमारी एल हो गई। और अब स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 38, 36, ओके। नाउ रेंज इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, विच इज इक्वल टू 73 माइनस 36। नाउ 73 माइनस 36 हम करते हैं तो वो आएगा
37, तो यहाँ पे हमारे लिए रेंज आ गई 37 और ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके आंसर अपने नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं, पेज नंबर लिखोगे सॉल्व एग्जांपल बस इतना सही है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हो, मतलब बाद में ऐसी सिचुएशन है कि आपको टेक्स्ट बुक देखना ही नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन लिखोगे तो भी अच्छा रहेगा, ओके। सेकेंड, पेज नंबर 26 पे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अगेन कुछ वैल्यूज दे, रेंज हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आपने ट्राई किया होगा, मैं आपको बता देता हूं अभी, लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज L, कितना है आपका लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे, इस एग्जाम्पल में है 967। अच्छा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपकी, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज S इज इक्वल टू 250, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे कितनी है 250 है। नाउ रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो 967 माइनस 250, 967 माइनस 250 कितना आता है, ये आना चाहिए 717। तो हमारे लिए रेंज रहेगी, रेंज इज इक्वल टू 717। देखो कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे करके दिखा दो, 967 माइनस 250, 7, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 2 7, ओके। चलो वीडियो पॉज करके ये लिख लेना है आपने, जो भी आंसर्स हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो पॉज करके उसे इमीडिएटली नोट डाउन करना है। और अगर आपको लगता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, तो आपने डेफिनेटली पहले खुद ट्राई करना है, बाद में आगे का वीडियो देखना है, ओके। नेक्स्ट स्टेप, पेज नंबर 26 एक्सरसाइज का ही सेकेंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा गिव्स नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक डन बाय राधा ड्यूरिंग अ वीक। कितने टाइपिंग मिस्टेक हुए हैं राधा से, वो हमें क्वेश्चन में दिए हैं ड्यूरिंग द वीक, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो हमें रेंज को फाइंड आउट करना है, डे गिवन मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, नंबर ऑफ मिस्टेक्स आर गिवन, ओके। क्या सॉल्व कर सकते हो आप इसका आंसर, देखो ट्राई करके देखो, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, नाउ लार्जेस्ट वैल्यू यहां पर कितनी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू इज 21 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 10, तो 21 माइनस 10 आंसर आ गया 11, ये हमारी रेंज हो गई, हो गया आंसर। क्वेश्चन दिखता बहुत बड़ा है लेकिन आंसर काफी सिंपल है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, पेज नंबर 25 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 है, कैलकुलेट रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। ग्रुप डेटा हमें दिया है, ओके, सैलरी 30 to 50, 50 to 70 एंड सो ऑन टिल 130 to 150, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हैं 7, 15, 30 एंड सो ऑन, ओके। देखो अभी रेंज कैलकुलेट करना, ग्रुप डेटा हो अनग्रुप डेटा हो कोई भी हो, कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फर्स्ट फाइंड आउट करो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज L, देन फाइंड आउट करो स्मॉलेस्ट वैल्यू और सिंपली दोनों का डिफरेंस। अब इस एग्जांपल में हमें फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली इग्नोर करना है, रेंज कैलकुलेट करने में फ्रीक्वेंसी हमारी हेल्प नहीं करती, तो फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर दो, सिर्फ x के बारे में सोचो, यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो हाईएस्ट वैल्यू बन सकती है 150, ओके, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बन सकती है 30,
तो इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू आ गई 150, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई 30, और अब रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, दैट इज 150 माइनस 30, और आंसर आ गया 120। आ रहा है समझ में? ओके चलो, ये जो अगला क्वेश्चन है इमीडिएटली वीडियो पॉज करके आपने इसे सॉल्व करना है। चलो फटाफट सॉल्व कर लो इसे। सेवेंटी टू लार्जेस्ट वैल्यू है, 62 स्मॉलेस्ट है। 72 माइनस 62 आंसर आ जाएगा 10। चलो एक फाइनल आज के सेशन में हमें स्टडी करना है क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर इसी को कहा जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, तो हमने एक्सट्रीम वैल्यूज में से रेंज कैलकुलेट करना स्टडी किया, जिसमें था लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन रेंज हमेशा यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि रेंज क्या करता है, एक्सट्रीम वैल्यूज को ही काउंट करता है। अब एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज़्यादा डिवाइड भी हो सकती है। ओके, अब मान लो कि कोई बॉलर है, फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह। अब बुमराह तो बॉलर है, बॉलिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन बैटिंग का उसका प्रॉब्लम है। करे कोई मैच में बुमराह आ गया और उसने सेंचुरी मार दी, और आप अब उसका रेंज कैलकुलेट करना चाहते हो। तो हाईएस्ट स्कोर कितना है, 100, स्मॉलेस्ट मुझे पता नहीं है, फॉर एग्जांपल 10 है, तो 100 माइनस 10, 90 डिवाइडेड बाय 2, आप 90 करोगे आप, तो आपको रेंज कितना मिलेगा, 90 का आ रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बुमराह का नॉर्मल स्कोर जो है वो 0 टू 10 20 के बीच में है, और एक स्कोर उसका काफ़ी बड़ा आ गया, और उस वजह से रेंज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो रेंज हमेशा आपको हेल्प नहीं करेगी, इस वजह से हम कुछ डिफरेंट अलग वेरिएशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जिसमें है क्वार्टाइल डेविएशन, इसी को सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी कहा जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई 2। इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड आउट करो, मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू की जगह पे Q3 माइनस Q1। अभी क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना हम ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक में स्टडी कर चुके। अगर नहीं देखा है आपने इसके पहले का पार्ट, क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करना है, बाद में यहाँ से आगे का पार्ट देखना है, अदरवाइज क्वार्टाइल्स नहीं समझ में आएंगे। ओके, सो क्वार्टाइल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, हमें Q3 माइनस Q1 करना है, और ये हमारी होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसे 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। सो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2। तो पेज नंबर 6 पे ऊपर एक सॉल्व एग्जांपल है। चलो, फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स हमें दिए हैं, और क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेप्स क्या है हमारे लिए, फर्स्ट हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, राइट? असेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा को अरेंज कर लेना है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सबसे कम वैल्यू यहाँ पर है 52, देन 56, 58, 52, 56, 58, नेक्स्ट 60, 61, 60, 61, 67, then 72, 75, 72, 75, 79 है, 84 and 91, 84 and 91। ओके, अब हम क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वार्टाइल Q1 के लिए क्या फॉर्मूला है, याद करो, Q1 इज इक्वल टू व्हाट, n प्लस 1 अपॉन फोर्थ वैल्यू। नाउ n हमारे लिए कितना है, तो 11 ऑलरेडी दिया है, 11 स्टूडेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 प्लस 1,
12 अपॉन 4 करेंगे तो 3, तो आ जाएगा थर्ड वैल्यू। देखो थर्ड वैल्यू कौन सी, 1, 2, 3, 58। तो Q1 इज इक्वल टू 58। नाउ Q3 कैलकुलेट कर लो, Q3 इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4 वैल्यू विच इज इक्वल टू, नाउ एन प्लस 1 12 है, 12 अपॉन 4 3 इंटू 3 करते हैं तो 9, नाइन्थ वैल्यू। ओके, सो नाइन्थ वैल्यू कौन सी है, Q3 इज इक्वल टू, देखो ये थर्ड आ गई थी हमारी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 79, Q3 इज इक्वल टू 79। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, सो 79 माइनस 58 डिवाइडेड बाय 2, तो 79 माइनस 58 कितना होता है, 21 अपॉन 2, और 21 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा 21 अपॉन 2 10.5। ठीक है, देखो 10.5 ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो पॉज करके लिख लेना इसे। चलो अब दो क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन से इसे आपने सेल्फ स्टडी में करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करना हमें अच्छे से आता है अभी। ओके, जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।